हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए डीआरडीओ की बनाई दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली। 2DG नाम की दवा सिर्फ हल्के लक्षणों वाले मरीजों पर कारगर। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स पर भी कारगर है 2DG दवा से ऑक्सीजन लेवल सुधारने में मदद का दावा। पाउडर के रूप में बनी है कोरोना की 2DG दवा। सुबह शाम 2 डोज 1 हफ्ते तक लेनी होगी और जल्द ही डॉक्टर रेड्डीज लैब के जरिए बाजार में आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन संकट पर पूरे देश के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। 12 सदस्यीय टीम ऑक्सीजन की जरूरत और डिस्ट्रीब्यूशन का आंकलन करेगी। कोविड फैसिलिटी में भर्ती होने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं, भारत सरकार ने नीति बदली। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग की, ऑक्सीजन मेडिकल उपकरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा तय किया, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को 11,57,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेंगे। देश के सभी नेशनल हाईवेज पर ऑक्सीजन टैंकर्स और कंटेनर्स को नहीं देना होगा टोल, परिवहन मंत्रालय ने टोल फ्री किया। दिल्ली सरकार ने फिर कम ऑक्सीजन सप्लाई का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया बोले, शुक्रवार को मिली 487 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक से विमान पहुंचा भारत, करीब 900 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मदद। जर्मनी से आए ऑक्सीजन प्लांट को दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल में लगाया गया। जर्मनी के राजदूत ने प्लांट का निरीक्षण किया, कहा भारत ने कोरोना काल में दुनिया की बहुत मदद की थी। थाईलैंड से 200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 10 कॉन्सेंट्रेटर्स भारत आए। भारतीय समुदाय ने भी ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे। अमेरिका के गिलीड साइंसेज ने 25,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन और भेजे, कुल 1,80,000 इंजेक्शन आ चुके हैं। कनाडा से रेमडेसिविर इंजेक्शन के 25,000 वायल आए, 50 वेंटिलेटर्स भी आए। भिलाई से नागपुर आ रहे 4 टैंकर्स को चोरों ने रास्तों में लूटा, 64 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से भरे 4 टैंकर्स बरामद हुए। बिहार में दरभंगा के बेनीपुर में अस्पताल में बड़ी लापरवाही, पिछले साल खरीदे गए वेंटिलेटर्स अभी तक पैक्ड रखे हुए हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी 27 नए वेंटिलेटर बेड्स पिछले साल से बंद पड़े हैं, वेंटिलेटर चलाने के लिए स्पेशलिस्ट नहीं है। राजस्थान के कोटा में सरकारी अस्पताल में 50 से ज्यादा नए वेंटिलेटर स्टोर रूम में बंद पड़े हैं। ऑक्सीजन की कमी दूर करने में जुटी लखनऊ पुलिस, ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक बनाया, कई कंपनियां कर रही हैं मदद। यूपी सरकार ने मुरादाबाद में 8 नए ऑक्सीजन प्लांट्स को मंजूरी दी, पहले से 3 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं मौजूद। वैक्सीन पर GST को लेकर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा जनता के प्राण जाएं मगर प्रधानमंत्री की टैक्स वसूली न जाए। देश में 24 घंटे में 22,97,000 से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना टीका, अब तक कुल 16,73,00,000 से ज्यादा टीके लगे। इंडियन एयरफोर्स के 98% कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, करीब 90% को दूसरी डोज लग चुकी है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने तेलंगाना सरकार को ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी के ट्रायल को मंजूरी दी। ममता बनर्जी ने पूरे देश में सभी को मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग की, कहा 30,000 करोड़ केंद्र सरकार के लिए मामूली रकम है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान, तीसरी लहर से पहले 3 महीने में दिल्ली में सबको वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है, केंद्र वैक्सीन दे। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग 18 से ज्यादा उम्र के हैं, हर महीने करीब 85 लाख वैक्सीन डोज की जरूरत है। कोविन ऐप में आ रही खराबी पर उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, महाराष्ट्र के लिए अलग वैक्सीन ऐप की मांग की। मुंबई के नेस्को ग्राउंड वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन खत्म होने पर भड़के लोग, पुलिस ने हालात को संभाला। मुंबई के नायर अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़, बुजुर्गों को कई घंटे धूप में खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। मुंबई की मेयर की सफाई, मुंबई को ज्यादा वैक्सीन मिले तो 24 घंटे में 3 शिफ्ट्स में वैक्सीनेशन करा सकते हैं। यूपी में 45 साल से ज्यादा उम्र के 1,08,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी, 1,00,000 से ज्यादा 18+ लोगों को टीके लगे। बिहार में रविवार से 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। अहमदाबाद में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन, सरदार पटेल स्टेडियम में कार में बैठे बैठे लोगों को टीके लगे। विशाखापट्टनम में वैक्सीनेशन के लिए भीड़, वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी लंबी लाइनें। प्रधानमंत्री मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, महाराष्ट्र, MP, हिमाचल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों से हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कोरोना से जंग में महाराष्ट्र की तारीफ की, तीसरी लहर का सामना करने के लिए उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर उद्धव ठाकरे ने ऑक्सीजन का मुद्दा उठाया, महाराष्ट्र को और ऑक्सीजन देने की मांग की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, कोरोना के खिलाफ बंगाल की पूरी मदद की अपील की। एयरफोर्स ने कोविड रिलीफ के लिए 42 ट्रांसपोर्ट विमानों को लगाया, विदेशों से मदद लाने में इस्तेमाल। सेना ने दिल्ली NCR में 8 सर्विस एम्बुलेंस को सेवा में लगाया, एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए फैसला। देश में कोरोना के 4,01,078 नए केस आए, 24 घंटे में 4,187 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 53,605 नए केस, 864 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 2,678 नए पॉजिटिव मामले, 62 मरीजों ने दम तोड़ा। नागपुर में 24 घंटे में 3,827 लोग कोरोना पॉजिटिव, 81 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 332 मौतें, राज्य में 17,364 नए मरीज मिले। गुरुग्राम में कोरोना के 3,441 नए मामले,
10 मौतें। यूपी में कोरोना के 26,847 नए मरीज आए, 24 घंटे में 34,731 मरीज ठीक हुए। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 8,390 मामले आए, 118 मरीजों की मौत। राजस्थान में एक दिन के अंदर कोरोना से 17,987 लोग संक्रमित हुए, 160 लोगों की मौत हुई। झारखंड में कोरोना के करीब 6,000 नए केस, 136 मरीजों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 119 लोगों की मौत, 11,892 लोग संक्रमित हुए। केरल में 42,000 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 64 मौतें। तेलंगाना में कोरोना के 5,186 नए मामले, 38 मरीजों ने दम तोड़ा। गोवा में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,751 लोग संक्रमित हुए, 55 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना से होने वाली मौतों पर शमशान में अंतिम संस्कार का खर्च नगर निगम उठाएगा, यूपी सरकार का आदेश। कर्नाटक सरकार ने सीटी स्कैन की दरें तय की, बीपीएल कार्ड धारकों को 1500 और बाकियों को 2500 रुपए देने होंगे। बिहार सरकार ने भी सीटी स्कैन की दरें तय की, प्राइवेट लैब्स में 2500 से 3000 रुपए तक देने होंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में बन रहे कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। हरियाणा के गांव में कोरोना टेस्टिंग के लिए 8000 टीमों का गठन। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी मदद के लिए आगे आए, दिल्ली के जीटीबी अस्पताल को 250 बेड डोनेट किए। कोरोना के खिलाफ एक्शन में डीएमके सरकार, तमिलनाडु में 10 मई से 24 मई तक 14 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा। 14 दिन के लिए बंद रहेगा बेंगलुरु शहर, 10 मई से 25 मई की सुबह तक सभी तरह की गतिविधियां बंद। मणिपुर के इम्फाल में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू, वैक्सीनेशन और जरूरी सेवाओं को छूट। उत्तराखंड में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 30 जून तक होंगी। दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता मदद के लिए आगे आए, आरएमएल अस्पताल के बाहर लोगों को खाना बांटा। मनाली के वृद्धाश्रम में कोरोना मरीजों का मनोरंजन करते देखे स्वास्थ्यकर्मी, पारंपरिक गानों पर झूमे। राजस्थान के सिरोही में हेड कांस्टेबल ने नियमों की धज्जियां उड़ाई, शादी में वर्दी में किया डांस, सस्पेंड किया गया। हैदराबाद के धार्मिक स्थल को कोविड सेंटर में बदला गया, 300 बेड लगाए गए। यूरोपियन यूनियन ने वैक्सीन खरीद की सबसे बड़ी डील की, फाइजर बायोएनटेक ने 180 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया। श्रीलंका में इंडियन वेरिएंट का पहला कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ, भारत से लौटे एक व्यक्ति में पाया गया। पाकिस्तान में लॉकडाउन में सुनसान दिखे बाजार, लोगों से घरों में रहने की अपील। बेल्जियम में बार और रेस्टोरेंट फिर से खुलने लगे, कई महीनों से था लॉकडाउन। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपियन काउंसिल की ऑनलाइन समिट को संबोधित किया, कोरोना से जुड़े इलाज और वैक्सीन में ट्रिप्स छूट की अपील की। समिट में सभी नेताओं ने पिछले साल भारत की तरफ से भेजी गई मदद की तारीफ की, कहा हम भारत के साथ खड़े हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, समय पर तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट। हरदीप सिंह पुरी की जनता से अपील, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़ी फेक तस्वीरों पर विश्वास न करें, जामुन का एक ही पेड़ नहीं काटा गया। असम में मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा तेज, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर वरिष्ठ नेताओं की बैठक। नड्डा के घर बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, असम के कार्यवाहक सीएम सर्बानंद सोनोवाल और मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा शामिल हुए। मुलाकात के बाद बोले हेमंत बिश्व शर्मा, रविवार को गुवाहाटी में विधायक दल की बैठक में मिल जाएंगे सभी सवाल। 10 मई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, 5 राज्यों के चुनावी नतीजों और कोरोना के हालात पर चर्चा होगी। टीएमसी नेता विमान बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए, तीसरी बार अध्यक्ष बने। बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र में बोली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, चुनाव आयोग में तुरंत सुधार की जरूरत है। बंगाल विजय को लेकर ममता बनर्जी ने चमत्कार और ऐतिहासिक शब्द इस्तेमाल किए, युवाओं ने हमें चुना। बंगाल में के वीरभूम पहुंची केंद्रीय टीम, चुनाव के बाद हिंसा में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। बंगाल भेजी गई गृह मंत्रालय की टीम को ममता ने भेदभाव बताया, कहा शपथ ले लेंगे, 24 घंटे के अंदर ही टीम भेजी गई। तमिलनाडु में चुनाव के बाद पहली बार 11 मई को होगी विधानसभा की बैठक, नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ। यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान 301 हिंसक घटनाएं हुई, बूथ और मतपेटियां लूटने के कुल 16 मुकदमे दर्ज। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुंबई में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक, अशोक चव्हाण एकनाथ शिंदे समेत कई नेता शामिल। कैबिनेट सब कमेटी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मराठा आरक्षण पर दखल देने की मांग करेगी, अदालत के फैसले के विश्लेषण के लिए कमेटी बनेगी। मुंबई में एनसीबी ने 4 किलो हेरोइन के साथ जाम्बिया आर्मी के पूर्व जवान को गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस ने 40 किलो गांजे के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। लुधियाना में एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि, कलिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर ने 9 सदस्यीय टीम गठित की। पंजाब पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, गैंगस्टर गैवी सिंह के साथ के 5 साथी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कड़प्पा में दर्दनाक हादसा, जिलेटिन स्टिक अनलोडिंग के दौरान धमाके में 9 खान मजदूरों की मौत। अफगानिस्तान के काबुल में एक स्कूल के पास बम धमाका, 25 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद पर हमले का मामला, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के विपक्षी नेता शहबाज शरीफ को जांच एजेंसी ने ब्रिटेन जाने से रोका, लाहौर हाईकोर्ट ने इलाज के लिए ब्रिटेन जाने की इजाजत दी थी। और कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा भी कोरोना संक्रमित, अब तक केकेआर के 4 खिलाड़ी हो चुके हैं पॉजिटिव। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।